नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। पहले सकट चौथ या तिलवा, उसके बाद मकर संक्रांति और फिर षट तिला एकादशी। षट तिला एकादशी पर न सिर्फ तिल के दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि गृहस्थ लोगों के लिए ये छह प्रकार के तिल के प्रयोग उनकी सोई हुई किस्मत भी जगा सकते हैं। आप भी जानिए कौन से हैं तिल के ये छह प्रयोग। तिल का पहला प्रयोग। सबसे पहले तिल का प्रयोग स्नान वाले जल में करें और स्नान के बाद पीले कपड़े पहनें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा और भाग्य के द्वार खुलेंगे। तिल का दूसरा प्रयोग। तिल का दूसरा प्रयोग तिल का उपटन लगाकर, ऐसा करने से सर्दी के मौसम में आपको फायदा मिलेगा। इससे शरीर में आपको आवश्यक ऊर्जा मिलेगी और सर्दी के विकारों से आप दूर रहेंगे। तिल का तीसरा प्रयोग। तिल के तीसरे प्रयोग में पूर्व की ओर मुंह करके 5 मुट्ठी तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें और आहुति दें। इससे आपको मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल का चौथा प्रयोग। तिल का चौथा प्रयोग तर्पण करके करें। इसके लिए आप ब्राह्मण के साथ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और पितरों के लिए तिल से अर्पण करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तिल का पांचवा उपयोग। तिल का पांचवा प्रयोग दान करके करें। महाभारत में उल्लेख है कि जो भी मनुष्य माघ मास में ऋषि मुनि गरीबों का तिल का दान करता है, वो कभी नरक के दर्शन नहीं करता। माना जाता है कि माघ मास में जितने तिलों का दान करेंगे, उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। तिल का छठवां प्रयोग। तिल का छठवां प्रयोग खाने में करें। शाम के समय तिलयुक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सेवन करें। इस दिन पूजा में तिलयुक्त फलाहारी रखनी चाहिए और ब्राह्मणों को भी तिलयुक्त फलाहार कराना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।